15 जगह पर आज कंक्रीट रोड के भूमि पूजन का काम हम लोगों ने किया है। आज लगभग इन कामों का अगर कीमत देखा जाए तो लगभग 350 करोड़ रुपए का करोड़ रुपए के सारे काम है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे साथी कांग्रेस वाले से, एनसीपी वाले जो बहुत सारे लोग हैं, और फिर उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना वाले हैं, उनसे इस 2.5 साल में 2.5 रुपए का काम भी वो लोग इस शहर के विकास के लिए ला नहीं पाए। टेंडर भी हो गया और उसकी वर्क ऑर्डर भी हो गई, इमीडिएट काम भी शुरू होगा और दिखाई देगा आपको। आप सब लोग जानते हो भिवंडी शहर में मेट्रो भी आई है, 7,500 करोड़ का उसका बजट है। भिवंडी का एक मशहूर और जाना माना सुपर स्टोर वैरायटी सुपर बाजार है, जहां आपको खाने पीने और किचन प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे कई जरूरी सामान भी कम रेट में मिलेंगे। हर संडे यहां पर सेल भी होती है, जिसका फायदा उठा सकते हैं। वैरायटी सुपर बाजार की 3 ब्रांचेस है, मंडई, 3 बत्ती और खरक रोड। विजिट जरूर करें। आज सम्माननीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, इनके माध्यम से 15 जगह पर आज कंक्रीट रोड के भूमि पूजन का काम हम लोगों ने किया है। और भारत सरकार के राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के माध्यम से भिवंडी शहर में 200 बेड का महिला और बच्चों के लिए उपजिला रुग्णालय, उसका भी भूमि पूजन आज हम लोगों ने किया है। विकास के दृष्टिकोण से भिवंडी शहर को परिपूर्ण करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों कटिबद्ध है। आज लगभग इन कामों का अगर कीमत देखा जाए तो लगभग 350 करोड़ रुपए का करोड़ रुपए के सारे काम है जिनका आज भूमि पूजन हुआ है। और इसके पहले भी लगभग 250 से 300 करोड़ के रोड का भूमि पूजन करके वो काम पूरे हुए हैं, और वो सारे रोड अभी लोग उसका वापर कर रहे हैं। भिवंडी शहर में कंक्रीट रोड पहली बार इतने बड़े पैमाने पे देने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया, और आज अभी ये सारे रोड बनने के बाद आप जिस भी गली में जाओगे वहाँ पे आपको कंक्रीट के रोड दिखाई देंगे। 54 रास्ते सैंक्शन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया था, लेकिन बाद में वो 26 रोड पूरे हो गए थे। बाद में सरकार बदल जाने के बाद 2.5 साल जो सरकार इस यहाँ महाविकास आघाड़ी की रही, उसने वो सारे कामों को स्थगित दी और एक भी काम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूँगा हमारे साथी कांग्रेस वाले से, एनसीपी वाले जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और फिर उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना वाले हैं, उनसे इस 2.5 साल में 2.5 रुपए का काम भी वो लोग इस शहर के विकास के लिए ला नहीं पाए। और जैसे ही आप लोगों के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजित पवार जी, इनके माध्यम से, मेरे प्रयास से और महेश चौगले के प्रयास से, संतोष शेट्टी, हर्षल पाटिल, सुमित पाटिल और हमारे शिवसेना के साथी बालराम चौधरी, सुभाष माने, मनोज काटेकर, मदन बुआ नाईक, इन सारे लोगों के प्रयास से लगभग 350 से 400 करोड़ के काम MMRDA के माध्यम से हमारे भिवंडी शहर में होने जा रहे हैं। उसके टेंडर भी हो गया और उसकी वर्क ऑर्डर भी हो गई, इमीडिएट काम भी शुरू होगा और दिखाई देगा आपको। तो ये जो सारा भिवंडी शहर के विकास में योगदान देने का काम महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। आप सब लोग जानते हो भिवंडी शहर में मेट्रो भी आई है, 7,500 करोड़ का उसका बजट है। भिवंडी से कल्याण तक की मेट्रो रुकी हुई है, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसका भी काम शुरू हो।
थाना से भिवंडी तक की मेट्रो जो है उसका 80% काम लगभग पूरा हो गया है। हमें सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि भिवंडी में कभी मेट्रो आएगी, लेकिन आज आई है। हमारे यहाँ के डेवलपर जब उनका प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट का फ़ोटो 2 फीट का छापते हैं और मेट्रो का फ़ोटो 10 फीट का छापते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मेट्रो के आने से लोगों में भिवंडी में हम लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं, इस तरह की मानसिकता आई है उनके मन में। अपने आप भिवंडी के लिए अच्छी भिवंडी सिटी अभी विकास के दौर पर आगे बढ़ रही है, ये परिवर्तन आया है। पानी की समस्या के लिए कई सालों से प्रयास हो रहे थे, 428 करोड़ रुपये सैंक्शन करके 100 MLD पानी भिवंडी शहर को मिलेगा, उसका भी वर्क ऑर्डर हुआ है। और मुझे जो जानकारी दी गई कॉरपोरेशन से कि 100 MLD की ये स्कीम जब पूरी होगी तो भिवंडी कॉरपोरेशन के पास एक्सेस पानी रहेगा। ये और भी डेवलपमेंट अगर भिवंडी शहर में आती है तो पानी की दिक्कत भिवंडी शहर को नहीं होगी। हो गया, आप चाहिए कुछ सर? सवाल ऐसा है कि जो भिवंडी शहर में जितने भी आरसीसी रोड हुए वो आरसीसी रोड तो बन गए, तो नगर पालिका ने जो काम करना चाहिए, जैसे अतिक्रमण का जो काम करना चाहिए, वो जो होता प्रॉपर्ट है वो सही तरह से अभी तक कोई भी रोड के बने नहीं। जो पहले भी जो 28 रोड बने उनका जो फुटपाथ है या जो उनका गटर का है वो सही तरीके से बने। ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग हर एक आदमी, अभी इतने देख रहा हूँ मैं प्रेस वाले, कम से कम 20 लोग हैं, अपने अपने हिसाब से एक एक स्टोरी बनाओ एक एक रोड की। भिवंडी शहर के स्वच्छता में योगदान देना हम सभी का काम है, कॉरपोरेशन का तो है ही, लेकिन हमारा भी काम है भिवंडी में स्वच्छता रहे, ड्रेनेज सिस्टम सही रहे। मैं कॉरपोरेशन को ज़रूर कमिश्नर को बोलूँगा, ये जो सवाल आप लोगों ने उठाया है इस सवाल का निराकरण करने के लिए उनकी यंत्रणा किस तरह से अपना योगदान देगी, काम करेगी, इसके लिए उनको जरूर प्रेशर करूंगा। सर, आपने जो भी काम किया है वो भिवंडी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे कि रोड है और बाकी की चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट देख रहे हैं तो आसपास जैसे भिवंडी ग्रामीण वगैरह है तो वहाँ पे काफी डेवलपमेंट आ रहा है और वहाँ पे लोगों को मतलब जैसे प्रॉपर्टी के लिए वहाँ पे जो रोजगार पैदा हो रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका फायदा भिवंडी सिटी को बहुत कम मिल रहा है। जैसे कि अगर डेवलपमेंट दिख भी रहा है तो ग्रामीण के विभाग में वहाँ पे दिख रहा है, देखो हर जगह का अपना अपना स्वभाव होता है। हम लोग बोलेंगे कि भिवंडी रूरल में मुंबई बनाओ तो मुंबई नहीं बनेगी। भिवंडी सिटी का नेचर है यहाँ पे पावरलूम चले, ये टेक्सटाइल का हब था और इसी वजह से भिवंडी रूरल जो पोर्शन है, भाग एरिया है, वो थाना और मुंबई को नजदीक होने के कारण, कनेक्ट होने के कारण वहाँ पे वेयर हाउसिंग का काम एक बार शुरू हो गया तो बढ़ने लगा। पूरे देश का जहाँ पे भी देश में माल जाता है तो पहले भिवंडी में डम होता है JNPT से आके, फिर वो चला जाता है। अभी वो नेचर वहाँ बन गया, तो आप कहोगे कि गोडाउन आके भिवंडी में बनने वाला नहीं है। दूसरा ऐसा होता है, आप जिस रेट में रूरल में लैंड मिलती है उस रेट में शहर में मिलेगी नहीं, तो गोडाउन का प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं होगा। तो विकास के कुछ दूसरे फंडे हमको ढूंढने पड़ेंगे, पहले हमारी मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो टेक्सटाइल के बिजनेस को सब्सिडी देती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, दिक्कत यह है हम लोग गाला खरीदते एक के नाम पे, उसमें पावर का मीटर लेते दूसरे के नाम पे, घर पट्टी तीसरे के नाम पे, अंदर जो लूम डालते हैं, अपने घर में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों के नाम पे 5-5 लूम डालते हैं, तो ये सब्सिडी को कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि जो कागज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम पूरे नहीं कर पाते। ये राजू गाजंगे हमारा था, इधर किधर गया, वो बेचारा इतना प्रयास करता है भिवंडी शहर के लिए, सेतु में इन लोगों ने इतने लोगों को मदद किया, लेकिन यही कारण हो गया किसी ने कंप्लेंट कर दी तो ये इसी वजह से वो भी स्कीम बंद हो गई। तो केंद्र सरकार की स्कीम है, आप अगर भिवंडी से बाहर जाओगे अभी तुम्हारा भादवड़ की तरफ, तो वहाँ पे लोगों ने अच्छे अच्छे टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट डाले हैं, अच्छा उनको सब्सिडी मिला है, 35% सब्सिडी मिला। अगर किसी ने 50 करोड़ खर्चा किया है तो 35% कितना होता है, देखो लगभग 17-18 करोड़ रुपया का सब्सिडी केंद्र सरकार के माध्यम से उनको मिला है। कई हमारे ऐसे साथी है, एक संतोष सिटी भी एक बार
एक साथी को मेरे पास लेके आए थे, उनका सब्सिडी 5-6 करोड़ का रुका था। तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन हमें कानूनन काम करने की आवश्यकता है। हम जो इलीगल काम करते हैं, इसके वजह से हम वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। अभी टेक्सटाइल पॉलिसी ऐसी तो नहीं बनी, नहीं इलीगल कामों को भी सब्सिडी दे, ऐसी तो नहीं बन सकती। फिर देश के लिए बनती है पॉलिसी। अरे भैया, चुनाव के पहले क्यों नहीं, ऐसा पूछो उसका वर्क ऑर्डर कब मिला, ऐसा पूछो ना। तो वर्क ऑर्डर अगर 4 दिन पहले मिला है तो पहले कैसे हम लोग करेंगे? फिर तुम ही बोलते कि इसका वर्क ऑर्डर नहीं है, भूमि पूजन कैसे किया? ऐसा है, काम से कुछ नहीं होता है। देखो अभी मोदी जी भी पूरे देश में घूम रहे हैं ना, उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, चुनाव के लिए कर रहे हैं। क्या उसका वापर नहीं करेंगे लोग? दूसरा ऐसा है, तो गए साल हम लोगों ने भूमि पूजन नहीं किया था, अभी बावन को ले जाए थे उस वक्त नहीं किया था, गए साल नहीं किया था। किसकी? हमारा काम है भैया काम सैंक्शन कराना, हमारा काम सैंक्शन कराना है। काम कितने गति से करना है, तेज गति से करना है, धीमी गति से करना है, तो वो यंत्रणा देखती है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसको प्रेशर करके उसकी गति बढ़ाने के लिए उनको बोलेंगे। अरे वो किस कारण निकालते हैं उसका कारण भी जरा ढूंढना भैया। जो राजनीति लोग करते हैं ना, वो आप कभी उसमें लाते नहीं है। ऐसा है, जिसमें राजनीति होती है उसमें लाते नहीं। आप ही जाके बम्बू पकड़ के किसी को दिखाते हो, वो बोलते हैं क्या अभी क्रेडिट लेने के लिए हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। अरे कौन लेगा क्रेडिट? हमने किया तो हम लेंगे ना। 2.5 साल हमने क्या आपको बोला था कि हाथ बांध के खड़े रहो? आप सत्ता पार्टी में थे ना, तो सत्ता पार्टी में करना चाहिए था। तो अभी टोरेंट के क्या इश्यू है? मेरे पास ये लोग आए थे, मैंने भी उनको कहा था कि आप पहले इश्यू तो मुझे बताओ क्या है। अभी लाइट का बिल ज़्यादा आता है, ज़्यादा आता है तो मैंने कहा तुम्हारा मीटर लेके आओ, मीटर लगा लो। टोरेंट के लोग कई कई अत्याचार करते होंगे, तो वो हमारे सामने बात आनी चाहिए ना। अगर टोरेंट कुछ गलत करता है तो टोरेंट को बख्शने की हमें क्या ज़रूरत है? हमारा कोई रिलेटिव है क्या टोरेंट में? नहीं है। और उसको लाया किसने? मैं तो एक बार एक प्रोग्राम में था, तो वो तत्कालीन MP सुरेश टावरे साहब, उन्होंने तो भाषण में कहा हमारे लोगों ने कुछ ले दे के उनको लाया करके। इधर ही था स्टेडियम के बाजू में जो हाल है उसमें, आप में से कोई हो सकते हैं वहाँ पे। तो ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर कुछ बोलेंगे कि ये उसने किया है, अगर वो गलत है तो टोरेंट हो कोई हो, उसको थोड़े हम छोड़ेंगे। देखो भैया, ये जब मेट्रो का काम शुरू हो गया उसी वक्त लोगों ने विरोध कर दिया। आप लोग जनता की आवाज बनके आप लोगों को भी ये मुद्दे को उठाना चाहिए कि क्यों रुका हुआ है। तो उस वक्त कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारी दुकानें चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, और फॉरेस्ट के जगह पे होने के कारण कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा था। वो भी फिर भी देवेंद्र जी ने कहा था कि फॉरेस्ट में है तो भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, वो मीटिंग में मैं नहीं था। एकनाथ शिंदे साहब ने मीटिंग लिया था, उन्होंने कहा कि उसको अंडरग्राउंड करते हैं। अभी वो कहाँ तक आया है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं झूठ बात नहीं, जानकारी लेके आपको बताऊंगा। बिल्कुल, जब ये चालू हो जाएगा ना, पूरा काम पूरा हो जाएगा तो धामनगर नाका तक की चालू हो जाएगी मेट्रो। लोकसभा चुनाव अभी नजदीक आ गया है, 15 मार्च के बाद शायद आचार संहिता लग सकता है, किस तरह से तैयारी है? आप तो देख ही रहे हो, एक सवाल पूछता है चुनाव के लिए भूमि पूजन कर रहे हो, दूसरा बोलता है किस तरह की तैयारी है। यार एक सवाल, इसके सवाल का जवाब उसने दिया। देखो ऐसा है, इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास का इतना काम हुआ है, विकास के मुद्दे पर लोग फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार ये लोगों ने ठान लिया है। लोगों की मानसिकता बनी है, मेरे को क्यों वोट दे? तो मैंने 35,000 करोड़ के काम करवाए मेरे लोकसभा क्षेत्र में, आप मेरे को पूछो मत क्या। आप मेरे साथ कल चलिए, तुम्हारे लिए पूरा दिन निकालूंगा, कल का नहीं परसों का,
मेरे साथ चलिए आप, आपको एक एक काम दिखा दूंगा, एक एक काम आपको दिखा दूंगा मैं जो पूरा हुआ है और चालू है। सर, पहले मैं हवा में बात नहीं करता, और जो कोई आपसे पूछता है ना उसको बोलो तुम सब लोग इकट्ठा आ जाओ, एक मंच पर बैठते हैं सब लोग, हम लोग डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। वो जो बोलते हैं ना आपको गलत सलत कुछ आके सवाल आप पूछते हैं और गलत सलत जवाब देते हैं, तो वो जवाब देने वालों को मैं आपके माध्यम से निमंत्रण देता हूँ कि एक मंच पे बैठेंगे। मैं मेरे लिए वोट नहीं मांगता, मैं विकास के लिए वोट मांगता हूँ। और जो किया है हमने, जो 10 साल में दिखाई देता है, आप लोगों ने इतने सालों से जिनको वोट दिया कभी पूछा नहीं आपको क्यों वोट दे। ये भिवंडी शहर में भावना में वोट देने का फंडा लोगों के जहन में बसा हुआ है। विकास के लिए भिवंडी में कोई वोट नहीं करता है, भावना में बह के वोट करता है। सर, भाजपा का जो पहला लिस्ट जारी किया उसमें कई दिग्गज जो है नाम दर्ज कर दिए, पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, वो मेरा अधिकार है नहीं, वो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ सकते हो, ये मेरा काम थोड़ी है उसका जवाब देना। सर, भिवंडी लोकसभा को लेकर कई मतलब राजनीतिक पार्टियां और कई लोग सारे जो अभी चुनाव लड़ने की भी तैयारी में, तो आपको निशाना बना रहे हैं, क्या निशाना बना रहे हो तो बताओ निशाना क्या है? क्यों, इतना क्या मैंने किसका बुरा किया है? मेरे पास एक एनसी नहीं है जो गौमूत्र छिड़काएंगे, उनका जाके देखो क्या क्या है, उनका करियर कैसा है। इतना काम विकास का करने के बाद अगर गौमूत्र छिड़कने की बात करते हो तो आप लोगों को भी पूछना चाहिए उनको क्यों छिड़कना है। चलो ठीक है, अच्छा है, अगर अपवित्र होता होने के बाद भी विकास होता है तो अच्छी बात है, वो भी स्वीकार है। हमारा काम है विकास करना, अभी किसकी मेंटालिटी कैसी है ना वो उसका उसका जाने। अरे पहले बोला चुनाव चिन्ह तो लेके आओ, बाद में सारा गौमूत्र छिड़काने का काम। जैसे कि आज का जो संगठन हुआ है, अरे भैया वर्क ऑर्डर मिल गया, अभी काम कोई नहीं रोक सकता। आप लोग पत्रकार हो यार, आपको इतनी जानकारी चाहिए ना भैया।